हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ कटहल और चिंगड़ी का रेसिपी। तो ये बंगाली डिश है, ये बंगाली तरीके से बनाई हूँ मैं। तो देखिए मैं किस तरीके से बनाई हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। अच्छी तरीके से कढ़ाई कर ली हूँ गर्म। उसके बाद मैं डालूँगी थोड़ी सी कुकिंग ऑयल यानी कि सरसों का तेल, और तेल को अच्छी तरीके से कर लूँगी गर्म। गर्म करने के बाद मैं यहाँ पर तड़के में थोड़ी सी जीरा, सूखी मिर्च और तेज पत्ता ऐड करूँगी। और ये बंगाली डिश है, ये मतलब कटहल को एचो बोलते हैं बंगाली में, और चिंगड़ी को यानी कि मतलब प्रॉन्स को चिंगड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बंगाली डिश बना रही हूँ। ये बहुत ही फेमस डिश है, ये बहुत अच्छे लगते हैं बंगाली तरीके से। आप बना के खाइए, बहुत ही यम्मी लगता है ये। तो मैं आज कुछ बंगाली तरीके से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और इसमें कोई भी मसालों में पीस के ऐड नहीं करूँगी कुछ। मैं जो भी बनाऊँ मसाले डालूँगी खड़े मसाले के साथ ही मैं बनाऊँगी, और बहुत ही यम्मी लगते हैं ये खाने में। जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो बेहतर ही सब्ज़ी है, और वैसे वेजिटेरियन जो है उनके लिए मैं कटहल की सब्ज़ी की जो रेसिपी है पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आप जाके प्लीज़ देखें, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने तेज़पत्ता यहाँ पर ऐड कर दी है, और यहीं पर मैं दो सूखी मिर्ची ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए। तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये सब्ज़ी, खास करके आप गर्मा गर्म दाल चावल के साथ आप खाइए, बहुत ही यम्मी बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूखी मिर्च और मैं तेज़पत्ता, और यहीं पर थोड़ी सी जीरा मैं ऐड करी हूँ, और इसको मैं अच्छी तरीके से गोल्डन होने के लिए रख दिए हैं कढ़िया में। कढ़िया को मैंने हाई पे रख दिया, और चिंगड़ी जो है मतलब प्रॉन्स है उसको मैंने अच्छा से नमक और हल्दी लगा के मैंने उसको फ्राई करके साइड में रख लिए हैं। तो सिंपल तरीके से मैंने फ्राई किया, इसमें कोई मसाले नहीं, सिर्फ नमक और हल्दी का मतलब लगा के, और उसके बाद मैंने हल्के से तेल में फ्राई करी हूँ, करके मैंने साइड में रख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे वीडियो। तो यहीं पर मैंने डाल दिए हैं प्याज कटिंग करके, एक बड़े साइज में प्याज थे तो वो प्याज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। आप चाहें तो सेम तरीके से टमाटर प्याज को पेस्ट बना के भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही यम्मी बनते हैं। तो यहाँ पे मैं प्याज को अच्छी तरीके से लाल करने के लिए यहाँ पे डाल दूँ नमक। तो नमक मैं मछली में भी डाल चुकी हूँ, और कटहल को मैंने हल्का सा स्टीम करी थी, तो यहाँ पर स्टीम जब करी थी उस टाइम भी मैंने इसमें नमक ऐड कर दिए थे। तो नमक मैं बिल्कुल देख के ही ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं नमक बिल्कुल स्वाद के अनुसार मैं प्याज में डाली हूँ। तो यहाँ पे प्याज को अच्छी तरीके से पहले ब्राउन कर लेते हैं अच्छी तरीके से। मैंने प्याज थोड़ी मोटे मोटे साइज में कट करी थी, आप चाहे तो बिल्कुल इसको पतले पतले स्लाइस में कट करें, और इसको कट करने के बाद मतलब आप चाहे तो इसको थोड़ा सा कद्दूकस कर ले या फिर मिक्सी में चला ले। तो मैं आज खड़े मसालों के साथ ही बनाऊँगी, क्योंकि खड़े मसालों के साथ ही बहुत टेस्टी बनते हैं सब्ज़ी, और वैसे बनाए हुए पेस्ट के साथ भी मैं सब्ज़ी जो कटहल की है वो कटहल आलू की सब्ज़ी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर गैस को हाई रख रखी हूँ, और अच्छी तरीके से प्याज को ब्राउन करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी मसाले वो भी मसाले मैं ऐड करूँगी। तो मसाले में मैं डालती हूँ मिक्स मसाला, यानी कि मतलब सारे मसाले मिले हुए। अगर वो मसाले की रेसिपी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं किसी और वीडियो में लेके ज़रूर आऊँगी। तो यहाँ पर मिक्स मसाले में ऐड कर रही हूँ, और हल्दी पाउडर, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर गर्म मसाला ऐड करूँगी। तो गर्म मसाला मैं लास्ट में ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैं मिक्स मसाला और हल्दी ऐड कर रही हूँ, और यहीं पर मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी, ताकि जो है वो प्याज ज़्यादा मतलब जले ना। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी सी पानी डाल रही हूँ, और यहीं पे मसाले में जितने भी मसाले थे मेरे पास सारे मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गोलमरीच पाउडर, जीरा पाउडर और कश्मीरी मिर्च, ये सब वगैरह आप जो भी है मसाले में ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल हल्के मसाले के साथ ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि ये सब्ज़ी बिल्कुल हल्के मसाले के साथ ही अच्छे लगते हैं। अब ज़्यादा मसाला के साथ जो है वो थोड़ा सा अजीब सा लगते हैं, बनते भी वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसकी वीडियो भी पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए जितने भी गुड़े मसाले मुझे डालने थे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा पानी के साथ में इसको अच्छी तरीके से मिलाऊँगी, और इसको मैं फ्राई करूँगी जब तक तेल अच्छी तरीके से निकलना जाए तब तक। यहीं पर मैं टमाटर चॉपिंग कर रही हूँ, तो टमाटर मैं बड़े साइज में कटिंग करी थी, तो मैंने सोचा छोटे छोटे साइज में कटिंग करती हूँ ताकि ईजीली तरीके से ये गल जाए। तो यहाँ पर टमाटर को मैं कटिंग कर रही हूँ जब तक मसाले फ्राई हो रहे हैं, और कटहल को मैं मतलब थोड़ा सा बॉईल करके रखी हूँ पहले से ही, क्योंकि उसके जो कसापन होते हैं उसको मतलब निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिए थे, और बिल्कुल कच्चे वाले कटहल थे, छोटे साइज में जो आते हैं बिल्कुल मतलब आधा एक किलो के हिसाब से, वो वाली कटहल मैं लेके आई थी। तो कटहल की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनते हैं अगर इस तरीके से आप बनाइए तो। अगर आप इसमें मतलब वेजिटेरियन है तो आप यहाँ पर प्रॉन्स ना ऐड करें, यानी कि चिंगड़ी ऐड ना करें, आप कटहल और आलू के साथ ही इसको सेम तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैं उसको मसाले को फ्राई करने के लिए मैंने रख दिए हैं, और गैस को मीडियम में रखी हूँ ताकि अच्छी तरीके से मसाला पक सके। तो यहाँ पे देखिए मैं टमाटर और हरी मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सब्ज़ी थोड़ी सी स्पाइसी बनाने थे,
तो मैंने यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च मैंने ऐड कर दी है। अब टमाटर और हरी मिर्च को अच्छी तरीके से मसालों के साथ ही मैं फ्राई करूँगी। तो मसाले फ्राई हो गए थे, अब टमाटर को भी फ्राई करने हैं। तो जब तक टमाटर अच्छी तरीके से गल ना जाते तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं मतलब हल्का सा। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से मैं फ्राई करती हूँ, देख पा रहे होंगे। और सब्ज़ी में जो ना बहुत अच्छे टेस्ट आते हैं अगर आप इस तरीके से आप बनाइए तो। कभी कभी मूड होता है ना आप मतलब बिना पीसे हुए मसालों के साथ ही बनाइए, तो मैं उस तरीके से सब्ज़ी बना रही हूँ। और सच में वाकई में बहुत ही अच्छी मतलब बहुत ही टेस्टी बने थे सब्ज़ी। यहीं पे मैं एक छोटी सी आलू मैंने ऐड कर दिया सिर्फ थिकनेस के लिए। और यहाँ पे देखिए मैं इस आलू को भी फ्राई कर रही हूँ, ये छोटे साइज में मैंने ऐड किए हैं और मतलब सब्ज़ी में थोड़ी ग्रेवी अच्छी आ जाए। तो यहाँ पर मैं आलू को अच्छी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। यहीं पर मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी, उसके बाद मैं डाल रही हूँ कटहल। तो अब जितने भी मतलब ग्रेवी हैं इसमें उसी में मैं कटहल को भी अच्छी तरीके से पकाऊंगी, यानी फ्राई करूंगी इसको ढक ढक के कवर कर करके मैं मसालों को साथ ही मतलब कटहल को कम से कम 5 मिनट तक फ्राई करती हूँ। फ्राई करने के बाद ही, क्योंकि मुझे इसको सूखा बनाना था, मतलब ज़्यादा सूखा नहीं, थोड़ा सा मतलब हल्का सा लटपटा टाइप में, तो मैं इसको कवर करके फिर मैं इसको पकाती हूँ। तो देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से भून रही हूँ, गैस को मैंने हाई पे रखे हैं, तो इसको मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी। तो 1-2 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी। तो और जो कटहल के जो सब्ज़ी की जो वीडियो है मैं बहुत सारी अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगी, प्लीज़ आप वहाँ पर जाके देखें। तो फाइनली इसको सब्ज़ी को मैं फ्राई कर रही हूँ, अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी जब तक अच्छी मसालों से खुशबू ना आए। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी पानी ऐड कर रही हूँ इसको कवर करने के लिए, कि ताकि जो मसाले और अच्छी तरीके से सब्ज़ी में समा पाए। तो यहाँ पे मैं पोंस रखी थी यानी कि चिंगड़ी, वो भी मैं ऐड कर दी हूँ। और इसको मैं कर दूँगी थोड़ी देर के लिए कवर, और इसको बिल्कुल गैस को लो करके मैं इसको पकाऊँगी। तो कम से कम इसको 5 मिनट लगेगा पकने में, तो इसको मैं लो करके बिल्कुल पकाऊँगी। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ ढक्कन से कवर। कवर करने के बाद देखिए सब्ज़ी का कलर बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से, कटहल भी पक गए थे और चिंगड़ी भी अच्छी तरीके से, और कलर आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे लगे थे, ये बहुत टेस्टी बने भी थे। और फाइनली देखिए मैं इस तरीके से बनाई हूँ। तो ये बिल्कुल सूखे कटहल की सब्ज़ी। तो देखिए सब्ज़ी का कलर, तो कैसा लगा रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। रेसिपी अच्छी लगे तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।